हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने एक बार फिर सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार को घेरा है और लगातार हमला भी बोला है। सरकार के काम को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं अभय चौटाला। मुख्यमंत्री ने 100 दिनों में नशे के रोकथाम के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार के 3 महीने के कार्यकाल में अपराध बढ़े हैं। साथ ही उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार बढ़ाने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। इस सरकार ने 100 दिन में अपनी तरफ से बहुत सारी उपलब्धियां बताई, लेकिन जो प्रदेश जिसमें कभी दूध दही की बात होती थी, आज कहीं चले जाओ नशे की बात होती है, चिट्टे की बात होती है। सरकार ने उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए, उसके लिए मुख्यमंत्री ने नहीं बताया कि हमने इस 3 महीने में क्या काम किया। इस 3 महीने में तो हरियाणा 1 नंबर पे ला करके खड़ा कर दिया। विपक्ष का काम ये थोड़ा ही कि केवल अखबार तक सीमित रहे, सरकार को मजबूर करे, जिन लोग गलत काम कर रहे हैं, जिनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए मुख्यमंत्री से मिले, इसके लिए गवर्नर से मिले। लेकिन यहां तो केवल बैठ करके अखबार में बयान दे करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है।